वैदिक साहित्य पढ़ा रहा हूँ मैं। वैदिक साहित्य में इसके पहले वाले पाठ में वैदिक साहित्य का दूसरा भाग है। पहले पाठ में मैंने बताया था कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत चार वेद आते हैं। चारों वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक साहित्य आते हैं और उपनिषद साहित्य आते हैं। मैंने ये भी कई बार बताया है कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की जानकारी केवल ऋग्वेद से प्राप्त होती है। इसके अलावा शेष तीनों वेद, सभी ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद साहित्य, इन सभी से उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चारों वेद पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ, इसमें मैं ब्राह्मण साहित्य पढ़ाऊंगा। स्पष्ट है कि ब्राह्मण साहित्य से उत्तर वैदिक कालीन समाज, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलेगी, है ना। ब्राह्मण साहित्य कभी भी ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत नहीं है, क्योंकि इन्हें उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है। ब्राह्मण साहित्य की रचना क्यों हुई? एक ही उद्देश्य था, चारों वेदों को समझने के लिए। ब्राह्मण साहित्य की रचना चारों वेदों को समझने के लिए की गई। प्रत्येक वेद के अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सभी वेदों के अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। क्योंकि वेदों को समझने के लिए रचना की गई है, इसलिए सभी वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेद पद्य शैली में है, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ गद्य शैली में है, क्योंकि समझने के लिए इनकी रचना की गई है। वेदों को समझने के लिए, इसलिए गद्य शैली में है, क्लियर है। ब्राह्मण ग्रंथों से उत्तर वैदिक कालीन जीवन पर प्रकाश पड़ता है, सभी ब्राह्मण ग्रंथों से, चाहे वो ऋग्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ क्यों ना हो, उससे भी उत्तर वैदिक कालीन जीवन के विषय में ही जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक ऐतरेय और दूसरा कौशितकी, याद रहेगा, ऐतरेय और कौशितकी, ये दोनों ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ऐतरेय है, इन दोनों में ऐतरेय ब्राह्मण महत्वपूर्ण है। इसके संकलनकर्ता महिदास हैं, महिदास ऐतरेय ब्राह्मण के। सर्वप्रथम राजत्व की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है या पूछा जाने वाला है, सतर्क रहेंगे, यहाँ कुछ भी बेवजह नहीं लिखा गया है व्हाइट बोर्ड पे। राजत्व की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, अर्थात राजत्व एक दैवी वरदान है ना। तो ये सिद्धांत सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, यानी राजा को महिमा मंडित किया गया है, उसकी तुलना देवताओं से की गई है ना। उत्तर वैदिक काल में बड़े राज्यों की जानकारी मिलती है, किससे, ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में अब कबीले जैसे छोटे छोटे राज्य नहीं रहे, उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े राज्यों का उत्थान हो रहा था। ये कहाँ से पता चलता है? ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में भारत में अलग अलग दिशाओं में पांच प्रकार के राज्यों, अर्थात पांच प्रकार की शासन प्रणालियों और उनके राजाओं का उल्लेख आया है। ये सारा वर्णन किसमें आया है? ऐतरेय ब्राह्मण में आया है। पांच प्रकार के राज्यों, अर्थात पांच प्रकार के अलग अलग शासन प्रणालियों और उनके राजाओं का उल्लेख आया है। ऐतरेय ब्राह्मण में पृथ्वी को घेरने वाले समुद्र का उल्लेख है। ऐसी कल्पना की गई है कि जो धरती है, अर्थात भूभाग है, धरातल, वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। उसमें ऐसी कल्पना की गई, क्योंकि उस काल में भूगोल की इतनी अच्छी जानकारी नहीं हुआ करती थी। उस समय के लोग मानते थे कि जहां तट की शुरुआत होती है, समुद्र तट की, उसके बाद सारा अथाह जल राशि है, महाद्वीपों की खोज नहीं हुई थी, समझ सकते हैं आप। उस समय संकुचित था भूगोल, अपने ही देश को लोग धरती या पृथ्वी मानते थे, दूसरे महाद्वीप की खोज नहीं हुई थी, इसीलिए इसमें पृथ्वी को घेरने वाले समुद्र का उल्लेख आया है। ऐसी पृथ्वी जो कि चारों तरफ से जल राशि से घिरी हुई है ना। वो ऐसी कल्पना भी करते थे कि ऐसा भी समय आ सकता है कि पूरी पृथ्वी समुद्र में डूब जाए। उनको लगता था कि समुद्र चारों तरफ है और पृथ्वी बीच में है, क्योंकि वो बीच में ही रहते थे, लगता था कि डूब सकती है। ये कल्पना बाद में बताऊंगा कहाँ की गई है। अब सामवेद पर आते हैं, दूसरा वेद। सामवेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचमेश और जैमिनीय। इसमें से पंचमेश खास है। ये सवाल पूछा हुआ है कि पंचमेश किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, जीएस में भी ये सवाल पूछा हुआ है। पंचमेश को तांडे भी कहते थे, तांडे ब्राह्मण, और दूसरा है जैमिनीय। बस इसके बारे में कुछ जानने लायक खास नहीं है, आगे जो जानने लायक होगा हम बताएंगे। तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण का नाम आपने कई बार सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे विशाल और सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा
ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। यजुर्वेद के दो ब्राह्मण है, शतपथ और तैतिरी। इसमें से शतपथ शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। हम जब वेद पढ़ा रहे थे तो बताया था कि यजुर्वेद दो शाखाओं में बटा हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद गद्य में है, सॉरी शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है और कृष्ण यजुर्वेद गद्य में लिखा गया है, यह भी हमने बताया था। तो जो ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है वो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ, और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ भी शतपथ ब्राह्मण ही है। नेक्स्ट, इसके लेखक महर्षि याज्ञवल्क्य हैं शतपथ के। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन कथा कब लिखे है? थोड़ी देर पहले मैं यहाँ जिक्र कर रहा था कि ऐसी कल्पना करते थे कि चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी, क्योंकि महाद्वीपों की खोज नहीं हुई थी, दूसरे महाद्वीप में नहीं पहुंच पाए थे। तो जल प्लावन कथा आपने टीवी में देखा होगा कि एक गैंडा जैसा आकृति वाला इंसान जिसका चेहरा गैंडे की तरह है और अपने सींगों पर पृथ्वी को उठाए हुए है और समुद्र से बाहर निकल रहा है, अपने सींगों पर समुद्र को पृथ्वी को उठाए हुए समुद्र से बाहर निकल रहा है, मतलब पृथ्वी डूब गई थी और वो जो जीव है आधा इंसान और आधा जानवर का रूप धारण किए हुए पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाल रहा है। तो वही ये जल प्लावन कथा, उस कथा का पहला उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ही आया है। जल प्लावन कथा का उल्लेख है शतपथ ब्राह्मण में। पुनर्जन्म का सिद्धांत, मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, ये सिद्धांत, ये कल्पना पहली बार शतपथ ब्राह्मण में की गई अश्विन देवता द्वारा। इसके अलावा अश्विन देवता थे ना आर्यों के, अश्विन अंतरिक्ष के देवता थे कि आकाश के कि पृथ्वी के, उत्तर दीजिए, बताया जा चुका है। अश्विन देवता द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान का वर्णन है। अश्विन देवता द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान दिया गया था, ये वर्णन भी शतपथ ब्राह्मण में आया है। च्यवन, च्यवन नाम से आप समझ सकते हैं च्यवनप्राश बना है, जो मार्केट में च्यवनप्राश मिलता है निश्चित रूप से च्यवन के नाम पे ही, च्यवन ऋषि के नाम पर ही वो नाम रखा गया है। आगे राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो यानी जब उसे गद्दी पर बैठाया जाता था, वो शपथ लेता था, तो उसमें राजसूय यज्ञ किया जाता था उत्तर वैदिक काल में। तो राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में है। उत्तर वैदिक काल में राजा का अभिषेक राजसूय यज्ञ द्वारा किया जाता था, उत्तर वैदिक काल में। इसका वर्णन कहाँ है? शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक काल में, देखिए उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल में कृषि का विकास नहीं हुआ था, जो कुछ भी छेड़ देते थे उग जाता था उसे काट लेते थे और खाते थे, विस्तृत विधिवत खेती नहीं होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे के हलों का प्रयोग प्रारंभ हो गया, इसके चलते कृषि के क्षेत्रों का विस्तार हुआ, खेतों की जुताई होने लगी। तो इससे हमको यहाँ की आर्थिक व्यवस्था का भी पता चलता है, उत्तर वैदिककालीन अर्थव्यवस्था का। शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में 24 बैलों द्वारा जोते जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। ऐसा हल जिसे 24 बैल मिलकर खींचते थे, बड़े बड़े हल, 24 बैलों की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हल बहुत बड़े रहे होंगे। तो यहाँ पे 24 बैलों द्वारा जोते जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में खेती से संबंधित बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण है वो हम आपको बता रहे हैं। शतपथ ब्राह्मण में किसी से संबंधित क्रियाओं जैसे जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई, सवाल पूछा जा चुका है कि कृषि से संबंधित क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? वेद में, ब्राह्मण में, उपनिषद में, आरण्यक में? ब्राह्मण साहित्य में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है कृषि से संबंधित क्रियाओं का उल्लेख। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण में ही पहली बार मनुष्य के पुनर्जन्म की कल्पना की गई, अर्थात मनुष्य का पुनर्जन्म होता था, ऐसी कल्पना पहली बार उत्तर वैदिक काल में शतपथ ब्राह्मण में की गई है, पुनर्जन्म की कल्पना। क्यों? पुनर्जन्म की कल्पना इंसान किसी भय के वश में करता है कि हमारा पुनर्जन्म किस रूप में होगा। तो जब इस तरह का भय हो तो इंसान पूजा पाठ अधिक करने लगता है, पूजा पाठ अधिक करेगा और कर्म कांड भी अधिक करेगा, क्योंकि जब पारलौकिक, भाई मरने के बाद दूसरा जीवन, मरने के बाद दूसरा जीवन मतलब इस संसार से परे भी आस्था है दूसरे जीवन में, तो जब ऐसी आस्थाओं का विकास होता है तो कर्म कांड समाज में बढ़ जाता है। तो वहां मैंने लिखा है कि पुनर्जन्म की कल्पना की गई है, अर्थात उत्तर वैदिक काल में सांसारिक उद्देश्यों के साथ साथ, हमने बताया था कि ऋग वैदिक काल में जो यज्ञ होता था उसका उद्देश्य केवल भौतिक था, सांसारिक जीवन में सुख सुविधा को बढ़ाना ही उसका उद्देश्य था। ऋग वैदिक आर्य पारलौकिक जीवन में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में
पुनर्जन्म की कल्पना की गई उत्तर वेदी काल में, अर्थात सांसारिक उद्देश्यों के साथ साथ पारलौकिक उद्देश्य भी महत्वपूर्ण हो गए। अर्थात यज्ञों का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधा नहीं रही, पारलौकिक उद्देश्य भी अब यज्ञों का उद्देश्य बन चुका था। ठीक है, यही कारण है कि उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन में यज्ञीय कर्मकांडों और अंधविश्वासों का महत्व तो बढ़ने लगा। असुविधा कि ऐसा क्यों उत्तर वैदिक काल में, क्यों यज्ञों की संख्या बढ़ने लगी, कर्मकांडों का महत्व तो बढ़ने लगा। जो यज्ञ में जो आहुति दी जाती है, आहुतियों की संख्या बढ़ने लगी, तो धार्मिक जीवन में यज्ञ कर्मकांडों का महत्व तो बढ़ रहा था उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन में। यजुर्वेद के दो ब्राह्मण हमने बताया, शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है और तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। नेक्स्ट, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है, ठीक है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का केवल एकमात्र, गोपथ ब्राह्मण से भी सवाल अक्सर पूछे गए हैं इस तरह से कि अथर्व गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, अथर्व वेद से संबंधित है। अथर्ववेद की व्यापक जानकारी आपने पिछले वीडियो में ले ली है। तो आज ब्राह्मण साहित्य भी खत्म हो गया, अगले वीडियो में आरण्यक और उपनिषद एक साथ समाप्त करवा के फिर उत्तर वैदिककालीन समाज अर्थव्यवस्था राजनीति पढ़ा के इस तरह से उत्तर वैदिककालीन जीवन खत्म हो जाएगा। ठीक है, जुड़े रहिए, अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहिए और वीडियो को मैं तेजी से आगे बढ़ाऊंगा। सही मायने में एक दिन पहले ही मैं पूरी तरह से खाली हुआ हूँ, बहुत सारी सरकारी कार्यालय की औपचारिकताएँ निपटानी थी और उसमें बहुत ही व्यस्तता बढ़ गई थी, मुझे अनुमान नहीं था, इसके चलते बीच में थोड़ी शिथिलता मैंने बरती। आप निश्चिंत रहिए, अब मैं इतनी तेज से भागूंगा कि शायद आप मुझे पकड़ भी ना पाएं, बहुत स्पीड के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, निश्चिंत रहिए। ओके, नमस्कार।